नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सही समय पर पानी कैसे पीना चाहिए। दोस्तों जब हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी कर के सोएं, ताकि जब आप सो रहे होंगे तो आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही तरह से हो पाएगा। लेकिन यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका जो ब्लड है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसमें चिपचिपापन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही तरह से होना चाहिए था सोते समय, वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि आपका ब्लड में जो है पानी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और आपका जो रिलैक्सेशन या जो नींद की प्रक्रिया है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों में 6 से 8 बजे के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आता है या हार्ट रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप रात को सोने से पहले अच्छे से पानी पी करके सोएंगे तो आपके ब्लड में जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, आपकी विस्कोसिटी ब्लड की नहीं बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलेगी। और दूसरा, आपका जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहेगी और रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ये तो रही सोने से पहले पानी पीने की बात। दूसरा, आपको सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी जो पूरी प्रक्रिया है ब्लड की, सोने के बाद जब आप उठे हैं तो वो उसमें ब्लड में पानी की मात्रा बराबर हो जाए और पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे से हो, और जो भी निष्कासन होना है एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू मल का, मूत्र का, वो अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों सही समय पर सही तरह से पानी पीजिए और अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रखिए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए योग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद।